अस्सलाम वालेकुम बरादरान इस्लाम, आप सबको ईद मुबारक। मतला बेलगाम में मतला साहब था और हिलाल कमेटी के ज़िम्मेदारान अरकान और नौजवान और अंजुमन इस्लाम के ज़िम्मेदारान तमाम जमाते, खुद तमाम ने उसका मुशाहिदा किया, देखा चांद रोयत का। और उसके बाद ये ऐलान किया जा रहा है कि उलमा इकराम दीगर नौजवान खुद चांद देखा, इंशाअल्लाह कल बरोज़ सनीचर मौरीखा 22 को ईद बरोज़ सनीचर ईदुल्फ़ित्र अदा की जाएगी। और इसी तरीके से ईदगाह में ईद की नमाज जो है 9:30 बजे होगी इंशाअल्लाह। अतराफ अकनाफ में भी चांद नज़र आया, अतराफ अकनाफ में भी चांद नज़र आया, बहुत सारे अतराफ अकनाफ में और दीगर जगहों पर भी चांद नज़र आ गया। लिहाजा आप तमाम को ईद की मुबारकबाद कबूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हज़रात, आज 29 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुमा बाद नमाज़े बाद ग़ुरूबी आफ़ताब, अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन इस्लाम के ज़ेर एहतमाम बेलगाम के उलमा, अंजुमन के ज़िम्मेदारान और शहर के मुख्तलिफ तंज़ीमों और जमातों के ज़िम्मेदारान ने एक जम्मे गफ़ीर की शक्ल में अपने माथे की आँखों से ईदुल फ़ित्र का चांद देखा। इंशाअल्लाह कल बरोज़ सनीचर 22 अप्रैल को ईदुल फ़ित्र हम सब मनाएंगे और हमारे अंजुमन के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों से भी चांद के आम रुयत की ख़बर है। लिहाजा कल ईदुल फ़ित्र है, आप सबको ईदुल फ़ित्र की मुबारकबाद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज अंजुमन इस्लाम में हिलाल कमेटी की मीटिंग हुई, जहाँ पे शहर के तमाम उलमाए इकराम मौजूद थे और अंजुमन के बिल्डिंग के ऊपर से सभी को चांद नज़र आया और हिलाल कमेटी ने उलमाए इकराम ने यह फ़ैसला किया है कि कल ईद होगी 22 अप्रैल सनीचर को और सुबह 9:30 बजे ईदगे में नमाज़ अदा की जाएगी। सभी को ईद मुबारक, चांद मुबारक। बहुत शुक्रिया।